अब बस देखो साइड के हो जाओ सर, बच्चों साइड के हो जाओ सारे, साइड के हो जाओ। तो जनाब राव उमर आशिम साहब का निशान जो है वो है प्याला, और मेयर मोइनुद्दीन साहब का है जी रेडियो। ठीक है जी। तो आजकल ना एक ट्रेंड चला हुआ है, क्योंकि जब फॉल फील होते हैं ना उनके पास हर किस्म के हरबे होते हैं, तो आजकल ये ट्रेंड है कि ये अगर इलेक्शन जीत गए तो ये इमरान खान को छोड़ देंगे। अगर इन्होंने इमरान खान को छोड़ना होता तो ये टिकट कभी ना लेते उनका। बाकी कहते हैं कि अगर आपने आजाद उम्मीदवारों को, इनको समझते हैं कि ये आजाद उम्मीदवार हैं, आपका वोट जाया हो जाएगा। क्या हम इस पाकिस्तान में नहीं रहते हैं कि वोट किन को दिया जाए तो वो जाया होता है, वोट दो नंबर लोगों को दिया जाए तो जाया होता है। पाकिस्तान के शेर दिल इमरान खान को, जिसने अपनी सारी जिंदगी पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दिए, कि हम उसको ये पर्ची नहीं दे सकते और हमें ये भाषण देते हैं कि आप वोट जाया कर रहे हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इमरान खान की तो हुकूमत नहीं आनी तो आप वोट जाया कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर फेंका गया था, तो उस वक्त के जो परिंदे थे वो पानी लेकर आ रहे थे और वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, तो साथ में वाले परिंदों ने पूछा, ये जो काली चिड़िया होती है आपने देखी होगी बड़े पूछन वाली, कि आपकी चूंच के अंदर जो पानी आ रहा है इससे आग तो नहीं बुझेगी, तो आप ये क्या कर रही हैं? उसने कहा, मुझे भी पता है कि मेरी ये चूंच में जो पानी आ रहा है इससे आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब मैदान हशर लगेगा तो वहां पर बुलाया जाएगा कि आग लगाने वाले कौन थे और आग बुझाने वाले कौन है। हमें इस चीज का कोई खौफ नहीं है कि हम इलेक्शन हार जाएं या इलेक्शन जीत जाएं, हम दुश्मनों के सामने खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जो नबी के दुश्मन हैं, जो इस मुल्क के दुश्मन हैं, हम उनके खिलाफ खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और एक और पैगाम दे दो, जो लोग कहते हैं कि शाह साहब गलत साइड पे हैं, इनको राव साहब की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी, तो जब कल दिहाड़ा जब शाह साहब उनके साथ खड़े थे तो उस वक्त भी गलत थे। आज वो पूछे अपने जमीर से, और मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि कल वही लोग चक्षा क्रम में होंगे और उस वक्त कहेंगे कि अब फैसला ठीक है शाह साहब का। मेहरबानी तमाम दोस्तों का शुक्रिया। तो अब भरपूर तालियों में आज के हमारे खसूसी और इस हल्के की जान, और इंशाल्लाह हमारी बहुत सी दुआएं उनके साथ।
आपकी तालियों में राव उमर हाशिम खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद दोस्तों, बुजुर्गों, भिराओं, बच्चों, अहलियाने चक तेरा के भी अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, टाइम बड़ा घट है, आज 14वां रोज है मैंने इलेक्शन कंपेन का आगाज किए हुए और कल आखिरी दिन है, फिर उस तो बाद 8 तारीख में इलेक्शन है, इसलिए अजय हल्का मैं और भी जाना है। मैं थोड़े नाल बड़ी थोड़ी गल करांगा बट चंद जरूरी गल्ला करांगा, थोड़ा गौर नाल सुनो। दोस्तों, इलेक्शन 2024 यह जिहड़ा 8 तारीख को हो रहा है, यह पाकिस्तान की तारीख का सब तो अहम इलेक्शन है। दोस्तों, अहम किस तरह हैगा कि इस इलेक्शन दे विच यह फैसला होना है कि या पाकिस्तान दे आवाम ने 8 फरवरी नूं यह दो करप्ट जमातां, यह नवाज शरीफ ते जरदारियां करप्ट खानदान, इन्हां दे असी गुलाम बणांगे ताहियात, या असी आजाद होवां, होर कोई फैसला नहीं होना इस इलेक्शन च। यह इलेक्शन तमाम इलेक्शन तो बहुत मुख्तलिफ इलेक्शन है। वो किस तरह मैं तुहानूं दसदा, पाकिस्तान आजाद होया सन 1947 च, साढ़े नाल उसी दिन उस तो अगले दिन आजाद होया साडा हमसाया मुल्क भी। दोस्तों, अज 77 साल बाद वो दुनिया की तीजी वड्डी मईशत बन जा रहा है, साढ़े तो आबादी विच भी 6 गुना वड्डा है, साड़ी आबादी 25 करोड़ है, उन्हां दी आबादी 125 करोड़ है, पर इस तो बावजूद वो दुनिया की तीजी वड्डी मईशत बनन जा रहा है और पाकिस्तान दुनिया की मकरूज तरीन मईशत बनन जा रहा है। कभी सोचा है दोस्तों कि साढ़े विच और उन्होंने कोई फर्क नहीं है, उ जमीन पंजाब की उन्होंने कोल ने साढ़े कोल भी उही ने, उही दरिया उतों वगदे ने जिहड़े साढ़े कोल आते हैं, उही समंदर उन्होंने कोल है जिहड़ा साढ़े कोल है, उही पहाड़ उन्होंने कोल ने जो इतों चलते ने उन्होंने मुल्क भी जाते हैं, उही मादनियात साढ़े कोल ने जिहड़ी उन्होंने कोल ने, रेगिस्तान उन्होंने कोल है साढ़े कोल है, फर्क की है? सोचो, सोचने वाली गल है दोस्तों। 77 साल एक मुल्क जिहड़ा साढ़े तो आबादी विच भी 6 गुना वड्डा है, जमीन भी एक जैसी है, लोग भी तकरीबन एक जैसे ने, पर वो मुल्क दुनिया की तीजी मईशत बन रहा है ते आपा मकरूज तरीन मईशत बन रहे हैं, साढ़े आवन वाले बच्चे भी कर्जिया तले दबे हुए हैं, ते इस तरह हो नहीं सकता। कोई ना कोई मसला है, कोई ना कोई फॉल्ट है, कोई ना कोई मसला है, ये पॉसिबल ही नहीं है। मसला एक है दोस्तों कि उन्होंने जेडे हुक्मरान उन्होंने मुल्क च आते हैं वो अपने मुल्क नाल मुखलिस ने, मुल्क की तरक्की वास्ते काम कर रहे हैं। साढ़े 40 साल तो यह दो करप्ट खानदान जरदारियां ते शरीफां ने इन्होंने इस मुल्क नूं लुटिया है, सिर्फ कोई दर्द नहीं है पाकिस्तान वास्ते या तुहाडे वास्ते, इन्होंने सिर्फ आदिया जेबां भरनियां ने, ते अज साडा मुल्क इन्ना जरखेज मुल्क इन हालात च पहुंच गया। दोस्तों, पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाहिद जमात है जिहड़ी एक करप्ट जमातां दे सामने खड़ी हुई। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत नूं क्यों उतारिया गया, उहदा कसूर की सी? सिर्फ उहदा कसूर इह सी उह तुहानूं सेहत कार्ड दे रहा सी, 10-10 लाख रुपए मेरे गरीबां नूं मिल रहे सन इलाज कराउण वास्ते मुफ्त, तुहानूं एहसास प्रोग्राम दे रहा सी, मेरे मेहनत कशा नूं कोविड दे दिनां च घर बैठे बाइज्जत तरीके नाल मोबाइल ते पैसे आए, किसी दे डेरे जाके हाथ नहीं फड़ाना पिया। दोस्तों, तुहाडा GDP मुल्क दा 6.5% ते ग्रोथ कर रहा सी, तुहाडी दरामदाद रिकॉर्ड तोड़ रही सन एक्सपोर्ट्स, किसान खुशहाल हो रहा सी, तुहाडी फसलां दे चंगे रेट मिल रहे सन, तुहाडे घर खुशहाली आ रही सी,
पर एक दो करप्ट जमाता खानदाना नु है गवारा नहीं सी। इन्होंने कहा अगर ये लोग खुशहाल हो गए तो साड़ी गुलामी कौन कर सी, अगर खुशहाल हो गए तो सर चावणगे, सर चावणगे तो साड़ी गुलामी कौन करेगा। दोस्तों इन्होंने इस मुल्क का निजाम सियासी पूरा गुलाम बनाया हुआ है और तुहाडा लीडर सिर्फ तुहाडे बच्चों के मुस्तकबिल के खिलाफ है, दो जमाता नाल लड़ रहा है करप्ट जमाता नाल जिहड़ा तुहाडा खून चूस रहे ने इस माशरे का, वो सिर्फ तुहाडे बच्चों की जंग लड़ रहा है। दोस्तों अपने आस्ते ते आपां सारे जीने आ, अपने आस्ते आपां सारे जीने आ, लोकां आस्ते कोई कोई जींदा है वो तुहाडे बच्चों के मुस्तकबिल आस्ते जींदा पिया है, तुहाडे बच्चों के मुस्तकबिल आस्ते पवन दे सलासल है, ओदे प्लेटलेट्स नहीं थले होए, वो इत्थे ही है पाकिस्तान च तुहाडे विच ही बैठे है, बच्चे नहीं है तो। दोस्तों दोस्तों ये लम्हा फिक्री है, मेरी गल याद रखना, 8 तारीख नू अगर अपने कोलो गलती हो गई और ये चोर जमाता वापस आ गई मेरी